अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है, सब खैरियत? यार मेरी बात सुनो, तुम ये देखो हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हॉलीवुड मूवी को अच्छा बनाती हैं। उसमें शामिल है एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर एलिमेंट्स और थोड़ी बहुत वो वॉर वाली मूवीज़ वगैरह। इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं जो मूवीज़ को अच्छा बनाते हैं। लेकिन इन सारी मूवीज़ के अंदर एक चीज़ और है जो एक अलग एटमॉस्फेयर, एक अलग थीम को क्रिएट करती है, जो कि है बारिश का हो जाना। तो हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर इंपैक्ट ऑफ रेन क्या होता है, मतलब कि बारिश का हो जाना हॉलीवुड मूवीज़ के ऊपर कैसा इंपैक्ट डालता है, वो हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर एक स्पेसिफिक मूड और एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर देती हैं, जिससे तुम कह सकते हो तुम्हें सारे एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने का, सारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका मिल जाता है। एक अलग सेंस ऑफ सैडनेस फील होती है, एक अलग टेंशन बिल्डअप होता है, एक एक ड्रामा बिल्डअप होता है, जो कहीं ना कहीं तुम मूवीज़ के अंदर देख सकते हो। जैसे मूवीज़ अगर तुम्हें देखनी है जिनमें बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उसमें आती है डेविड फिंचर की द सोशल नेटवर्क, तुम उसमें देख लो बारिश वगैरह हो रही है, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं लेकिन बारिश कंटिन्यू है, तो मामला और भारी महसूस होता है। और ह्यूज जैकमैन की प्रिजनर्स मूवी को देख लो, मतलब कि बच्चे गायब हो चुके हैं, बच्चों को ढूंढना है, ऊपर से बारिश हो रही है, सामने विजन भी क्लियर नहीं है, ड्राइविंग करनी है, बच्चों को बचाने के लिए भागना है लेकिन सामने रोड नज़र नहीं आ रही, तो बारिश कहीं ना कहीं माहौल को एक और ड्रामेटिक बना देती है। बारिश मूवी के अंदर एक अलग सिंबलिज्म को शो करती है, एक रीबर्थ को। तुम एक लोकेशन पे खड़े हो, तुम्हें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, तुम्हें यहाँ से वहाँ जाने में जितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, उन सारी प्रॉब्लम्स को तुमने फेस कर लिया, तुम्हें स्ट्रगल्स फेस करने आ गए, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद तुम्हारा रीबर्थ हुआ है, तुम दोबारा पैदा हुए हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो तुमने गलतियाँ यहाँ से यहाँ जाने में करी हैं तो वो गलतियाँ तुम आगे नहीं करने वाले। बारिश एक और चीज़ को ऐड करती है जो कि है सेंस ऑफ रियलिज्म, वो सब कुछ ऑथेंटिक लग रहा होता है, ऑथेंसिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, एक अलग स्पार्क क्रिएट कर देता है। मूवी में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्स हो रहे हैं लेकिन साथ साथ बारिश हो रही है जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश में लगी हुई है। इस तरह के प्रॉब्लम्स में दोबारा फंसे तो तुम्हें बताया तुम्हें क्या करना। जहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा मूवी जब तुम देख रहे हो, तुम तो एज व्यूअर इस मूवी को देख रहे हो, लेकिन उन सब चीज़ों को क्रिएट करने में एक अलग मेहनत लगती है, किस तरीके का काम होता है। अगर तुम घर में बैठे बैठे मूवी देख रहे हो तो तुम उससे कहीं ना कहीं इमोशनल इंपैक्ट फील कर सको, इमर्सिव एक्सपीरियंस महसूस कर सको एज व्यूअर। वो किस चीज़ को, एक सीन को क्रिएट कर रहे हैं, एक मूड को क्रिएट कर रहे हैं, एक अलग थीम, एक अलग एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं। वो इंडोर्स कहीं ना कहीं घर के अंदर ही फंसा हुआ है, बार बारिश हो रही है, घर में लॉक हो चुका है, आपके कॉन्टेक्स्ट आपकी कहानी से रिलेट करता है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। अगर मूवी सैड है तो कहीं ना कहीं तुम सैडनेस फील करोगे, कहीं रिजेक्शन फील करोगे, आपको ग्रीफ का महसूस करवाना, आपको रिलीफ देना, तीन चार तरह की चीज़ें आपको एक साथ महसूस हो रही होती हैं। तो असल में बारिश जो है एक अलग टर्निंग पॉइंट होता है मूवीज़ के अंदर। ये था सब कुछ, तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखने चैनल को मारो सब्सक्राइब, मुझसे बस नहीं मिलना, मैं यहाँ मिल लूँगा, तब तक देखते रहो मसूस स्पीक्स, अल्लाह हाफिज़।